इस वीडियो में मैं आपको CS/CTU BTech सेकेंड सेमेस्टर AICTE स्कीम के एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम कैलकुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एग्ज़ाम होने जा रहा है जनवरी फरवरी 2021 में। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने बीटेक फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर AICTE स्कीम में CS/CTU से पढ़ा है। तो ये है प्रेडिक्टेड टेबल जो कि हाल ही में आए नोटिफिकेशन के आधार पर प्रेडिक्ट किया गया है। ऑल प्रीवियस सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्क्स हो सकता है 50, ऑनलाइन मार्क्स हो सकता है 40, क्लास टेस्ट 10 और टोटल इस तरीके से एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 100। जो आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का ही होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मिनिमम पासिंग मार्क यहाँ पर 35 ही रहेगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी ने एक मेथड दिया है, वो है एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड अप टू करेंट सेमेस्टर CT+TA+ESE इन BTech। ठीक है, यहाँ पर CT+TA+ESE सिंगल थ्योरी सब्जेक्ट के लिए वो है 150। तो इसे कैसे कैलकुलेट किया गया, इसे कैलकुलेट किया गया है 100 थ्योरी का, 20 का CT और 30 का TA, तो इस तरीके से हुआ 150। अब हम आते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपको जिसे पता होगा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, जो अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जनवरी फरवरी 2021 में हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट है आपके 5, तो मैक्सिमम CT+TA+ESE कितना हो सकता है, वो हो सकता है 150 × 5। मान लीजिए स्टूडेंट ए ने CT+TA+ESE ऑप्टेंट किया है, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में वो ऑप्टेंट किया है 400। तो अब क्या एक ही सेमेस्टर है, तो एवरेज मैक्सिमम CT+TA+ESE का 750 होगा और ऑप्टेंट CT+TA+ESE का होगा 400। अब यदि हमको 750 में से 50 का वेटेज लेना है, तो हमें 750 में 0.0664 इंटू करना पड़ेगा, जिससे आएगा अप्रॉक्स 50। अब जो 400 है, यदि हमें इस 400 में से इसका वेटेज लाना है 50 के अंतर्गत, तो 400 में 0.0664 का यदि आप इंटू करोगे तो हमें मिलेगा 27। यानी कि स्टूडेंट ए का ऑल प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स हो जाएगा 27। इसे हम मान रहे हैं इक्वेशन वन। अब हम आते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम पे। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का वेटेज यहाँ पर रखा गया है 40। तो इसके लिए हमने इसे 100 को 0.4 से इंटू किया, जिससे हमें मिला 40। पासिंग मार्क जो रहेगा वो आपका 35 ही रहेगा, लेकिन यदि आप 100 में जितना भी लाएंगे उसका वेटेज 40 के अंतर्गत कैलकुलेट होगा। मान लीजिए स्टूडेंट ए ने स्कोर किया है 65 out of 100 थ्योरी एग्ज़ाम में, सेकेंड सेमेस्टर के थ्योरी एग्ज़ाम में सब्जेक्ट वन में, तो उसका ऑनलाइन मार्क्स होगा 65 × 0.4 यानी कि 26। ये हो जाएगा इक्वेशन टू। अब हम आते हैं सीटी मार्क्स के फार्मूला पे। तो इसे लिया गया बेस्ट ऑफ CT/2। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट ए ने 2 क्लास टेस्ट दिए सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट वन के लिए और इसने स्कोर किया 14-15 रिस्पेक्टिवली। तो जो सीटी मार्क्स होगा सब्जेक्ट वन का वो होगा 15/2 अप्रॉक्स 8। ठीक है, ऐसा लिया गया है, ये होता है इक्वेशन 3। तो ये जो 8 है ये आउट ऑफ 10 है सीटी का। यदि हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 को, तो हमें मिलता है सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट वन का एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्क्स स्टूडेंट ए के लिए, तो वो होगा 27+26+8=61/100। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।